हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको पता है गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। केजरीवाल के सीएम दफ्तर जाने पर रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई 6 शर्तें। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जहां इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने की सिफारिश की तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल की रिहाई पर कई शर्तें भी रखी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि अवधि के दौरान वह सीएम के तौर पर कामकाज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बाउंड भरना होगा और इतनी ही राशि की सियोरिटी देनी होगी। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर से केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि यदि सीबीआई केस में भी केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वह भले ही जेल से बाहर आ जाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं संभाल पाएंगे। इससे पहले इसी बेंच ने 10 मई को जब 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी तब भी केजरीवाल पर ऐसी शर्तें लगाई गई थी। बिहार के इन कर्मचारियों का डीए बढ़ा, 400 नई बसें खरीदेगी नीतीश सरकार, कैबिनेट से 45 एजेंडे मंजूर। खबर है कि बिहार में छठे वेतनमान के मुताबिक सैलरी और पेंशन ले रहे राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब इन कर्मचारियों को 230% की जगह पर 239% महंगाई भत्ता मिलेगा। नीतीश सरकार पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत अन्य शहरों में परिचालन के लिए 400 नई बसें खरीदेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। मीटिंग में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। अदालत न तो मंदिर नहीं जज भगवान, सीजीआई का नाम ले वकीलों ने माय लॉर्ड कहने से किया इनकार। खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बीच चल रहा गतिरोध अभी भी बना हुआ है और इसकी वजह से वकीलों ने गुरुवार को भी कार्य बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन ने 9 जुलाई को ही काम नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया था। वकीलों का आरोप है कि उनके सामने आने वाले कुछ मुद्दों, खास करके बार के प्रति कुछ जजों के आचरण से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने में हाईकोर्ट प्रबंधन विफल रहा है, इसलिए बार एसोसिएशन ने फिलहाल काम नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि बार एसोसिएशन ने एक बैठक कर कड़े शब्दों में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि बार खुद को भगवान मानने वाले कुछ माननीय न्यायाधीशों के द्वारा किए जा रहे अंदरूनी हमले से न्यायपालिका को बचाना चाहता है। बार एंड बेंच के मुताबिक इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह संकल्प लिया गया है कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर नहीं बल्कि न्याय की अदालत है और न्यायाधीश भी भगवान नहीं बल्कि लोक सेवक हैं, जिसके लिए उन्हें सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है और उन्हें आम जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है। हम उन्हें भगवान मानने से इनकार करते हैं। डीयू के लॉ कोर्स में पढ़ाई जाएगी मनुस्मृति, केंद्र सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव की चर्चा पर सियासत और विरोध तेज हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कोर्स में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है। प्रधान ने कहा कि कल हमारे पास कुछ जानकारी आई कि मनुस्मृति डीयू में लॉ फैकल्टी कोर्स का हिस्सा होगी। मैंने इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि लॉ फैकल्टी के कुछ सदस्यों ने न्यायशास्त्र अध्ययन में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए हैं और एकेडमिक काउंसिल की बैठक है। एकेडमिक काउंसिल के ऑथेंटिक बॉडी में ऐसे किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं है। बिहार में पुलों के बाद सड़क की बारी, पूर्णिया में बारिश के पानी में बह गया अप्रोच पथ। खबर है कि बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों के बाद अब अप्रोच पथ टूटने लगे हैं। ताजा मामला पूर्णिया जिले का है, यहां पर एक हाई लेवल ब्रिज से जुड़ा हुआ अप्रोच रोड बारिश के पानी में बह गया। इससे 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। ठीक एक साल पहले भी यहां पर अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया था। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि सरकारी इंजीनियरों ने कहा है कि दो नदियों में अचानक तेज बहाव आने से सड़क ध्वस्त हुई है।
आरएसएस मानहानि के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने रद्द किया निचली अदालत का आदेश। खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चौहान ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को देर से कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी थी। आतंकी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, दो दहशतगर्दों के खिलाफ चार्जशीट, कई खुलासे। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये दोनों ग्लोबल टेरर नेटवर्क के औरंगाबाद स्थित छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हुए मॉड्यूल में शामिल थे। एनआईए ने इस साल फरवरी में कई जगहों पर तलाशी के बाद मोहम्मद जोहेब खान को गिरफ्तार किया था। जोहेब और लीबिया में रह रहे मोहम्मद शोएब खान पर आईएसआईएस के भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने की साजिश का आरोप है। दोनों ने पूरे भारत में संवेदनशील स्थानों पर आतंकी हमलों के लिए युवाओं को भर्ती करने की साजिश रची थी। स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन, ओएमआर सीट के लिए मारा गया छापा। खबर है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के अधिकारियों ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के तहत कोलकाता स्थित एक निजी कंपनी के परिसरों पर छापेमारी जारी रखा। सीनियर अधिकारी ने बताया कि कोलकाता के दक्षिणी एवेन्यू क्षेत्र में मैसर्स एस बसु रॉय एंड कंपनी के खिलाफ रेड चल रही है और इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने दो सर्वर और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि भर्ती में इस्तेमाल किए गए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी ओएमआर शीट के डिजिटल बैकअप का पता लगाने पर जोर है। किसियाने बिल्ली खंबा नोचे, अब जुमलों में नहीं फंसेंगे लोग, संविधान हत्या दिवस पर बोला विपक्ष। बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। जिस दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा, हमें ये याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था तो क्या हुआ था। हालांकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की ओर से इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार का कदम सुर्खियां बटोरने की कवायद भर है, जबकि पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के दौरान देश में अघोषित आपातकाल लगाया हुआ था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि 4 जून 2024 का दिन इतिहास में मोदी मुक्त दिवस के रूप में दर्ज होगा। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बीच नया विवाद, ताबड़तोड़ 8 बिल खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सरकार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी और गवर्नर सीवी आनंद बोस के बीच ठन गई है। दरअसल ममता सरकार के 8 विधेयकों को गवर्नर बोस के द्वारा खारिज करने से ये नया विवाद उपजा है और ममता सरकार ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंगाल सरकार की वकील आस्था शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि गवर्नर ने बिना कोई कारण बताए 8 विधेयकों को खारिज कर दिया है। यह कृत्य लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को कमजोर करता है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल महोदय की ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है, नहीं रोक सकते, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जमानत न देने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को बड़ी चेतावनी दी है कि वे बिना ठोस कारण बताए जमानत आदेशों पर यांत्रिक तरीके से रोक लगाने से बचे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी को जमानत से वंचित करना केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही होना चाहिए जहां स्थिति अत्यंत गंभीर हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अदालतें किसी आरोपी की स्वतंत्रता को लापरवाही से बाधित नहीं कर सकती। जमानत आदेश पर केवल तब ही रोक लगाई जानी चाहिए जब मामला वास्तव में गंभीर हो, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता, आदेश का विकृत होना या फिर कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होना। केस दर्ज हुए 5906 और गिरफ्तारी हुई सिर्फ 510 की, ईडी के पिक एंड यूज पॉलिसी पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं। पीठ ने यह भी कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से कारावास में हैं, लेकिन यह केजरीवाल को करना है
कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं। और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए समय उन सामग्रियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जो कि आरोपी को दोष मुक्त करती है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के मामले में ईडी पिक एंड यूज पॉलिसी नहीं अपना सकती है। कोर्ट ने कहा कि किसी अपराधी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को फंसाने वाली सामग्री को चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्हें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दोष मुक्त और दोष मुक्त करने वाली अन्य सामग्रियों पर भी विचार करना चाहिए। बताने की कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग अधिकारी की मर्जी और पसंद के अनुसार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पीएम शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में झटका, गैर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला रद्द, इमरान खान की बड़ी जीत। बता दें कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तब बड़ी कानूनी जीत मिली जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई संसद और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें आनुपातिक आधार पर प्राप्त करने की अर्हता रखती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली में आरक्षित सीटों में से उन्हें हिस्सेदारी न देने के पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के फैसले को बहाल करने के पेशेवर उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, केंद्र सरकार का ऐलान, इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है और इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी और इसके बाद उस समय की सरकार की ओर से सत्ता का दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। बता दें कि जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत की मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया है। मुजू के करीब जाने के लिए पूर्व महिला मंत्री ने किया था काला जादू, मालदीव सरकार का बड़ा खुलासा। खबर है कि पिछले दिनों मालदीव की मुजू सरकार में तब हड़कंप मच गया जब तत्कालीन मंत्री फातिमा समनाज को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मोहम्मद मुजू के करीब जाने के लिए काला जादू करने का आरोप है। समनाज के अलावा उनके भाई व एक और आरोपी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उनके घर से काले रंग की गुड़िया बरामद हुई थी। बता दें कि इसके बाद से उन्हें मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा था। अब मालदीव की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया और बताया कि बरामद की गई गुड़िया से काले जादू के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। 3 दिनों तक लीपा पोती की, खुद को कोर्ट समझते हैं एलजी वीके सक्सेना, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। दिल्ली के रीज एरिया में पेड़ काटे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में डीडीए की एप्लीकेशन कोर्ट के पास पेंडिंग होने के बावजूद पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई में एलजी की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई और इसी के साथ इस मामले में एलजी की भूमिका को छिपाने की कोशिश को कर भी फटकार लगाई। पहले सिम से हटवाया, फिर ब्लॉक करवा दिया एटीएम, शहीद अंशुमान के माता पिता ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप। खबर है कि सियाचिन में आग लगने की घटना में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेटे के शहीद होने के बाद उनकी बहू स्मृति सिंह ने बेटे का एटीएम कार्ड जो कि उसकी मां इस्तेमाल करती थी उसे ब्लॉक करवा दिया। इसके अलावा परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्टपेड सिम को भी बदलकर प्रीपेड करवा दिया। कैप्टन अंशुमान की मां ने दावा किया कि वह अपनी बहू को बर्तन तक नहीं धुलने देती थी ताकि उसका हाथ न खराब हो। शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता ने आज तक से बातचीत में कहा कि अंशुमान के नाम से सिम था सारे परिवार का जो कि पोस्टपेड था। बहू ने बेसिक सिम से परिवार के सदस्यों को हटवा दिया और उसे पोस्टपेड से प्रीपेड कर दिया। हमने जब कंपनी में फोन किया तब पता चला कि वहां फोन करके बंद करवाया गया। तब भी हमने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद कैप्टन अंशुमान का जो एटीएम मेरी पत्नी इस्तेमाल करती थी उसे भी उन्होंने 8 तारीख को ब्लॉक करवा दिया। यह एटीएम अंशुमान के बैंक अकाउंट का था, उन्होंने ये पहले से ही माँ को दे रखा था।
नेपाल में गिरी प्रचंड सरकार, पुष्प कमल दहल हासिल नहीं कर पाए विश्वास मत, देना पड़ा इस्तीफा। खबर है कि नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई है। बता दें कि संसद में वह विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले सप्ताह उनकी सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बता दें कि देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 69 वर्षीय प्रचंड को 63 वोट मिले, जबकि विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में 194 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के लिए कम से कम 138 वोट की जरूरत थी। प्रचंड 25 दिसंबर 2022 को पद संभालने के बाद 4 बार विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस बार उन्हें असफलता मिली। आज का सुविचार, जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान ही अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।